ये सम्स बहुत इजी है, बच्चे डर जाते हैं ये सम्स देख के, बट आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझा देखते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखिए रिलेशन क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी के बीच में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन। देखिए फर्स्ट और लास्ट, ए प्लस डी करेंगे तो बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए, ए प्लस डी करेंगे तो बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब एक ही एलिमेंट आपको लेना है, कहाँ से, एन क्रॉस एन से। सो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ओके। देन आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी, देखिए लास्ट टारगेट देखिए, आपका टारगेट क्या है, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, यही प्रूफ करना है, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। इसका मतलब क्या है, इसके पहले वाला लाइन आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी करेंगे तो जो आएगा, ए देखिए फर्स्ट और लास्ट का एडिशन जो आएगा, मिडिल दो का एडिशन, ये बराबर होना चाहिए, ओके। देन आप जानते हैं, वी नोस, देन वी कैन राइट, देखिए तो यही आपका टारगेट है, तो आप डायरेक्ट लिखिए, देन वी कैन राइट ए प्लस बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी प्लस है। आप बोलेंगे क्यों, कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, टू और थ्री, तो टू और थ्री का एडिशन करिए जो आएगा, और थ्री और टू को एडिशन ऐड करिए, मतलब टू प्लस थ्री जो होता है, थ्री प्लस टू वही होगा। तो ए प्लस बी कोई भी, ए भी कोई भी नेचुरल, दो नेचुरल नंबर है, ए प्लस बी करने से जो आता है तो बी प्लस ए वही होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज एडिशन। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में नेचुरल नंबर क्या होता है, अब लिखना, सिंस ए बी बिलोंग्स टू एन, ए बी कोई भी नेचुरल नंबर है, देन ए प्लस बी इज ऑलवेज एग्जैक्टली इक्वल टू बी प्लस ए, ओके। ए बी तो यहाँ पे नेचुरल नंबर, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल, एन क्रॉस एन मतलब क्या, ए बी नेचुरल नंबर होगा, बी भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि सिंस नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसके बाद वाला लाइन ये, ये सिंबल का नाम है इफ एंड ऑनली। तो देखिए खुद के साथ खुद का रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर में खुद के साथ खुद का रिलेशन है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, आपका प्रूफ हो गया रिफ्लेक्सिव। आप देखना है कि ये ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स सिमेट्रिक के लिए क्या करना है कि दो एलिमेंट लेना है, सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट लेना है। तो हमने ए बी और सी डी दो एलिमेंट लिया, कहाँ से, एन क्रॉस एन से, सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ए बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। दिस इम्प्लाइज क्या है, ए बी अगर रिलेटेड टू सी कॉमा डी है तो मतलब क्या है, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन किसके बराबर होगा, मिडिल दोनों का एडिशन के बराबर होगा, मतलब ए प्लस डी करेंगे तो जो आएगा, देखिए ये रिलेशन क्या है, ए प्लस डी करेंगे तो जो आएगा बी प्लस सी वही होना चाहिए, ओके। ये इफ एंड ओनली का सिंबल दे दीजिएगा, अगर एक क्वेश्चन में अगर ये सिंबल है, ओके, तो आप ये सिंबल यूज़ करिएगा, क्वेश्चन में अगर ये सिंबल है तो ये सिंबल आप यूज़ करिएगा, ओके। तो दिस इम्प्लाइज मतलब इफ एंड ओनली इफ, देखिए लास्ट लाइन आपका टारगेट क्या है, लास्ट लाइन टारगेट है आपको सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, यही प्रूव करना है, सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, मतलब क्या है, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, मतलब सी प्लस बी इक्वल टू प्रूव करना है डी प्लस ए। देखिए इसके बाद वाला लाइन हम लिख सकते हैं, घुमा के लिख लीजिए, मतलब ये लेफ्ट साइड में लिखिए, ये राइट साइड में लिखिए, इंटरचेंज करिए, बी प्लस सी आप यू कैन राइट ए प्लस डी, अब देखिए बी प्लस सी यू कैन राइट ए प्लस डी, ओके। तो यहाँ पे सॉरी हम मिस्टेक किया है, तो बी सी प्लस बी इज एग्जैक्टली डी प्लस है, देखिए बी प्लस सी इज एग्जैक्टली सी प्लस बी यू कैन राइट, एंड ए प्लस डी आप घुमा के लिखिए डी प्लस है, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो इसके बाद वाला लाइन हम ये लिख सकते हैं, उसके बाद वाला लाइन ये है, तो देयरफॉर आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव के लिए आपको तीन एलिमेंट लेना है, तो ए बी सी डी एंड ई एफ belongs to n cross n, या फिर आप belongs to लिख रहे हैं तो कॉमा दे दीजिए, n cross n, ओके। तीन एलिमेंट हमने ले लिया, सच दैट फर्स्ट और सेकेंड में आपका रिलेशन है, तो ए बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, एंड
सेकेंड और थर्ड में रिलेशन है, मतलब ए सी डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाई इफ एंड ऑनली इफ, इस सिंबल का नाम इफ एंड ऑनली इफ। तो ए बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, मतलब क्या, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, ए प्लस डी करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, मिडिल दो का बराबर होना चाहिए, तो सम ऑफ मिडिल एलिमेंट्स, तो दैट इज बी प्लस। ओके एंड यहाँ से बताइए, तो फर्स्ट और लास्ट का एडिशन क्या होना चाहिए, सम ऑफ मिडिल टू, दैट इज डी प्लस सी। ओके, इसको आप नंबर वन कॉल करिए, इसको आप नंबर टू करिए। आपका देखिए लास्ट लाइन क्या टारगेट है, लास्ट लाइन आपका क्या प्रूव करना है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ईएफ, इंप्लाई कर देना चाहिए ए बी इज रिलेटेड टू ईएफ, फर्स्ट एंड लास्ट, ए बी इज आपका लास्ट लाइन है, ए बी इज रिलेटेड टू ईएफ। ये अगर प्रूव कर दे तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव लिखिए आप, तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आपको ये प्रूव करना चाहिए, मतलब इसका इसका पहला वाला लाइन क्या होगा, ए प्लस ए, मतलब फर्स्ट और लास्ट का एडिशन क्या होना चाहिए, बी और बी प्लस ई के बराबर होना चाहिए, मतलब मिडिल दोनों का एडिशन का बराबर होना चाहिए। देखिए वन और टू से, वन नंबर और टू से आप सोचिए, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए वन और टू से कैसे ये रिलेशन मिल सकता है। ओके देखिए, उसके बाद वाला लाइन हम लिख देते हैं कि ए प्लस डी माइनस डी प्लस ई करेंगे प्लस बी माइनस सी प्लस एफ। देखिए क्या किया हमने, लेफ्ट साइड से ये जो इसका राइट साइड माइनस किया, देखिए ए प्लस डी, आप इसको घुमा के लिख सकते हैं कि डी प्लस ई इक्वल टू, हम यहाँ पे रफ करते हैं तो आप ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, और एक रिलेशन देखिए सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, इसको आप घुमा के लिखिए डी प्लस ई इक्वल टू सी प्लस एफ, आप लिख सकते हैं, आप माइनस कर दीजिए माइनस 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 माइनस, तो ये देखिए डी डी यहाँ पे डी और डी ए डी कटेगा एंड सी कटेगा, तो बचेगा क्या ए माइनस ई इक्वल टू बी माइनस एफ, बी माइनस एफ बचेगा, तो इसके बाद वाला लाइन है ए माइनस ई इक्वल टू बी माइनस एफ, आप ई को उधर लेके जाइए माइनस एफ को लेफ्ट साइड में लेके आइए, माइनस ई को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस ई बन जाएगा एंड माइनस एफ लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस एफ बन जाएगा, तो ए प्लस एफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी प्लस ई, तो इसका मतलब क्या है ए बी इज रिलेटेड टू ई को में, आपको बैक कैलकुलेशन करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सम्स है, आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ओके देयरफॉर आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, सो सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए एग्जाम में आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देंगे, यहाँ पे बोलेंगे सिर्फ जेड बता बोल देंगे, जेड बोल के बोलेंगे सेट ऑफ ऑल यहाँ पे इंटीजर्स, यहाँ पे क्या बोल देंगे इंटीजर्स। ओके इंटीजर्स बता देंगे एंड यहाँ पे रिलेशन में सिर्फ ये चेंजेस रहेगा, यहाँ पे जेड क्रॉस जेड ये कर देंगे, लिखने का स्टाइल सेम कुछ है, सब कुछ सेम है, सिर्फ जहाँ जहाँ पे एन लिखा है वहाँ पे आपका जेड हो जाएगा, वो रिलेशन भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है।